सत श्री अकाल, अजीत वेब टीवी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ हरप्रीत कौर ते अजीत खबरों के इस बुलेटिन में सब तो पहला नज़र मारद अज चोणवीं खबरों से। विधानसभा सैशन तो पहला पंजाब के 30 विधायक कोरोना पॉजिटिव। जेकर कैप्टन अपने फार्म हाउस चो ना निकले तो कोरोना कारण पंजाब का बहुत वड्डा नुकसान हो सकता है, कहा सुखबीर सिंह बादल ने। कैप्टन अमरिंदर सिंह वालों कोविड महामारी के चलदिया नीट जेईई प्रीख्या की तरीक अगे पाने सुप्रीम कोर्ट का रुख। कनैक्शन कट्टन तो गुस्से विच आई पुलिस ने पावरकॉम डायरैक्टर समेत मुलाजमान के कट्टे चलान। तरन तारण विच 4 किलो अफीम समेत 2 व्यक्ति काबू। ते हुणे ना चोणवीं खबरों का विस्तार ते कुछ होर अहम खबर। पंजाब विधानसभा का एक दिन सैशन कल 28 अगस्त शुक्रवार को होगा। इस पहला मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दी हदायतों अनुसार विधानसभा सैशन विच हाजिर रहने वाले हर व्यक्ति लई कोरोना टैस्ट प्रक्रिया विचों लंघना लाजमी कर दिता गया सी। इसे तहत हुण तक कोरोना टैस्ट करवाउण मगरों पंजाब दे 30 विधायकों की रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है। हुण देखना यह होगा कि कल होने वाले पंजाब विधानसभा सैशन विच किन्ने विधायक हिस्सा लैंदे ने ते सैशन की कार्रवाई किहो जिही होगी। श्रोमणी अकाली दल बादल दे प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने आज वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान कहा कि कोरोना कारण सूबे विच हालात माड़े ने ते मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने फार्म हाउस चो ही नहीं निकल रहे। उन्होंने कहा कि हैरानी की गल है कि अजिहे गंभीर हालात विच भी मुख्यमंत्री ने विधानसभा का इजलास बुला लिया, जबकि सैशन महीने या 1.5 महीने बाद बुलाना चाहिदा सी। उन्होंने कहा कि कोरोना कारण हो रही मौतां वड्डी चिंता का विषय ने ते जेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने फार्म हाउस चो बाहर ना निकले ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਆ ਇੱਕ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਕੱਲ ਸੈਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਊਗੀ। 6 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਨਸਰੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਐਜ ਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਂਦਾ 2 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜੇ, ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਡੀ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ? ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, 2002 ਤੋਂ 2007 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ MLA ਨੇ ਖੂਨ ਵੀ ਕਤਲ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਸੋਚਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਚਾ ਲੂੰਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਨਤਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ 125 ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਜਾਨਾਂ ਲਿੱਤੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨਾਂ ਲਿੱਤੀਆਂ, ਰੇਤੀ ਦੇ ਸਕੈਮ ਕੀਤੇ, ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ, ਆਹ ਬਚਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਾ ਕੇ CBI ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸਾਂ, CBI ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋ ਜਾਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਾਰੀ ਅੰਦਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੋਊਗੀ ਅਤੇ ਅੱਧੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ MLA ਅੰਦਰ ਹੋਣਗੇ। ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਕੀ ਆਈ ਤੋ ਆਪ CBI ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਏਂਗੇ ਇਨ ਸਭ ਮਾਮਲੋਂ ਕੀ? 100% कोविड महामारी के समय दौरान नीट JEE प्रीख्यावां विच कुछ ही दिन रह गए ने। उस तो पहला पंजाब दे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सूबे दे एडवोकेट जनरल अतुल नंदा नूं निर्देश दिते कि विरोधी पार्टियां दे हकूमत वाले होर सूबियां विचले अपने हम रुतबा अफसरां नाल तालमेल करके सुप्रीम कोर्ट विच एक समूहिक रिव्यू पटीशन दायर करके प्रीख्यावां अगे पाउण दी गुजारिश कीती जावे। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि इस मुद्दे उत्ते गलबात करन लई प्रधानमंत्री तो समां लैण दा वेला हुण नहीं है ते सारयां नूं इकट्ठे हो के इह प्रीख्या अगे पाउण लई सुप्रीम कोर्ट दा दरवाजा खड़काउणा चाहीदा है, क्यों जो इन्हां प्रीख्यावां नाल लखां ही विद्यार्थियों की जान नूं खतरा दरपेश है। उत्थे ही पंजाब विच केंद्र सरकार दे इस फैसले दा विरोध हुंदा दिखाई दे रहा है। अज अमृतसर विच भारतीय विद्यार्थी यूनियन पंजाब वल्लों प्रधान अक्षय शर्मा की अगवाई हेठ भाजपा दफ्तर के बाहर केंद्रीय सिक्ख्या मंत्री रमेश पोखरियाल का पुतला फूक के मोदी सरकार के नीट ते JEE दियां प्रीख्यावां कराउण दे फैसले खिलाफ विशाल विरोध प्रदर्शन किया गया। नाल ही तरन तारण विच वी भारतीय विद्यार्थी यूनियन वल्लों तरन तारण के शहरी प्रधान रितविक अरोड़ा की अगवाई विच विरोध प्रदर्शन किया गया। अज ये JEE ते नीट के एग्जाम नूं जिवें कि 23 लाख विद्यार्थियों के भविख की गल है, जिदे विच कि विद्यार्थियों नूं इन्हां ने एग्जामीनेशन हॉल दे विच बैठण लई मजबूर कर दिता है, ते उन्हां विद्यार्थियों नूं आवाज़ नूं लैके अज असीं BJP दफ्तर का घेराव किया है, ते पूरे स्टेट वाइज साडा प्रोटेस्ट चल रहा है। अमृतसर दे विच असीं अज इत्थे ये BJP दफ्तर नूं ताला ला के अज एक मैसेज दिता है कि जिहड़े लोकां नूं अमित शाह वर्गियां नूं CAA दा मतलब नहीं पता, CAA दी फुल फॉर्म नहीं पता, वो लोग JEE ते नीट दियां एग्जाम दियां तरीकां किवें डिसाइड कर सकते हैं। सानू अज नवीं शिक्षा नीति की लोड़ नहीं, सानू नवें शिक्षा मंत्री की लोड़ है,
जिहड़ा कि साडे जेईई ते नीट दे जां होर भी जिहड़े मुद्दे ने उन्हां चीज़ां नूं साडे विद्यार्थियों बारे सुन सके। ये वो सरकार है जिन्हें वड्डे वड्डे व्यापारियों दीआं करोना दे चलदे इनकम टैक्स की लोन दे की उन्हें फीसां माफ़ करतीआं, उन्हां दीआं किश्तां माफ़ करतीआं, पर एक गरीब विद्यार्थियों दिया छे महीना दिया फीसा माफ़ नहीं कर सके। विद्यार्थियों के लिए चलते हुए पंजाब सरकार ने फीसा के उत्ते करता सिर्फ तो सिर्फ करके कल 3.5-3.5 करोड़ रुपए के अप्रोक्स सरकार ने कॉलेजों को भेज दिए गए हैं। मंग सेंट्रल यूनीवर्सिटी दिया ने, यह सेंट्रल यूनीवर्सिटी ही फंड भेजती है तो फिर जाके विद्यार्थी ने फीसा माफ़ होंदिया ने। भावें एस सी बी सी स्कॉलरशिप की गल कर लो, भावें यूनीवर्सिटी के फीसा की गल कर लो, ये फंड सरकार वालों सेंटर को दिता जाता। अज जी एन एस यू आई तरन तारण वालों अज एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया रमेश पोखरियाल जी का ही पुतला फूकया। ये असी स्टूडेंट्स के हक लई अज पुतला फूकया, जो ये कह रहे ने भी फाइनल ईयर के एग्जाम समैसटर के बच्चे जाके कॉलेजा यूनीवर्सिटिया के पेपर देन, तो जेई तो नीट के एग्जाम आ जोड़े वो मैं कहते भी ये दो, तो मैं मंग करदा सरकार तो भी वह पोस्टपोन किए जा, तो जिहड़े फाइनल ईयर के स्टूडेंट आ बच्चे आ उन्हां नूं पास किया जाए। साडा प्रदर्शन जारी रहेगा, जे मंगा सरकार नहीं पूरियां करदी तो साडा प्रदर्शन जारी रहेगा। पंजाब लेवल ते होवेगा कि जां पूरे इंडिया लेवल? नहीं, साडे नीरज कुंदन जी ये जिहड़े इंडिया के प्रधान ने, साडे पंजाब प्रधान अक्षय शर्मा जी एन एस यू आई वो सारे प्रदर्शन कर रहे जी। इंडिया के पोखर धार चल रही है जी, दिल्ली के एन एस यू आई साडे इंडिया के प्रधान प्रदर्शन कर रहे जी। पटियाला विच बिजली निगम वालों बिजली चोरी रोकण लई घरेलू ते वख-वख सरकारी अदारियां वल खड़े लखां करोड़ां दे बिजली बिलां नूं कढवाउण लई छापेमारी दी लड़ी तहत बीते दिनी मॉडल टाउन पुलिस चौंकी थाना सिविल लाइनस ते थाना कोतवाली दे बिजली कनैक्शन भी बिजली अधिकारियों वालों कट दिते गए, जिस तों भड़की पंजाब पुलिस ने अज सवेरे बिजली निगम दे वख-वख दफ्तरां समेत मुख दफ्तर दे सामने पैंदी सड़क दे दोवां पासिआं ते पुलिस नाका लगा के चलान कटने शुरू कर दिते। बिजली निगम की इस कार्रवाई तो पटियाला पुलिस इन्नी हरखी कि चलान कटन के सिलसिले में बिजली निगम के डायरैक्टर कमर्शियल गोपाल शर्मा का भी चलान कट दिता। उधर इस संबंधी गलबात करद डीएसपी योगेश शर्मा ने कहा कि पुलिस वालों नाके किसी भी प्रकार की रंजिश नू लैके नहीं, सगो रोजाना की तरह वख-वख स्थानां ते लगाए गए सन। देखो जी, कल जिहड़ी कार्रवाई हुई है उस जिहड़े साडे इंजीनियर ने, मैं जनरल सैकटरी पी एस सी इंजीनियर एसोसीएशन, उसदे च इही है कि साडे इंजीनियर हैं वो मैनेजमेंट दीआं हदायतां मुताबक डिफाल्टिंग की रिकवरी है उहदे संबंधी रूटीन विच कार्रवाई करते रहिंदे ने। ते आ जिहड़े पटियाला सिटी दे थाने ने 4 नंबर डिवीजन 2 नंबर मॉडल टाउन कोतवाली, तो ये जिहड़े थाने ने जिन्हां दे कनैक्शन कट्टे गए इन्हां नूं पहलां नोटिस भी दित्ता गया सी साडे इंजीनियरां वल्लों, बकायदा मैनेजमेंट दी हदायतों मुताबक नोटिस दिए गए भी तुहाडे बिल बकाया ने जी, पैसे भरो। तो उत्थे उहदे बावजूद उन्हां वल्लों कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई पैसे नहीं भरे गए। फिर साडे इंजीनियरां ने कार्रवाई करते हुए जदों थाणियां दी बिजली कट दित्ती तां उह लगभग 82 लाख जिहड़ा उन्हां ते बकाया सी पटियाला सिटी दे अंदर जिहड़े थाणे ने बिजली अपने पुलिस दे, तो वह बिजली जो कट्टी है तो कल जो कार्रवाई हुई है असी तो विभागी हदायतों मुताबक ही की है साडे इंजीनियर ने, तो जो कल कार्रवाई हुई है जी सानू रिगार्डिंग बहुत रोस है भी उन्होंने पुलिस ने कल बदला लू कार्रवाई करते हुए साढ़े पी एस पी सी एल के दफ्तर कलोनिया मूहे स्पैशल नाके लाए, तो जोड़े साढ़े उ मुलाजम से इंजीनियर से आपका दफ्तर जा रहे थे स्पैशली उन्होंने पुछ के रोक के ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲ, ਪੀ ਐੱਸ ਪੀ ਸੀ ਐੱਲ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਨਾਕੇ ਜੀ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਕੇ ਹੈਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ ਨਾਕੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਜੋ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਿਦਆਊਟ ਮਾਸਕ ਨੇ, ਇੱਕ ਜਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਿਹੜੇ ਵਾਇਲੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਵਗੈਰਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਡਰਾਈਵ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਚੱਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕੋਈ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਾਕੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਜਸਟ ਸਿੰਪਲ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਨਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਚਲਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 4 ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟੇ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਸਟ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾਕੇ ਲੱਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਾਡੇ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵੀ
ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਾਹੀ ਕੱਲ੍ਹ ਚਲਾਨ ਕੱਟੇ ਗਏ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਈਵਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਾਈਟ ਪੋਲਿਸਿੰਗ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸਾਡਾ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ, ਮੋਟਿਵ ਹੈਗਾ, ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਵਿਡ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਿਦਾਊਟ ਮਾਸਕ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਨੋਰਮਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਫੋਲੋ ਹੋ ਰਹੀ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਚਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਰਨਤਾਰਨ CIA ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਭਿੱਖੀ ਵਿੰਡ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਨਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ 4 ਕਿਲੋ ਅਫੀਮ ਸਮੇਤ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਚਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ CIA ਸਟਾਫ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਆਰੋਪੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਗਗਨਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਵਾਸੀ ਭਿੱਖੀ ਵਿੰਡ ਅਤੇ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਾਸੀ ਛੇਰਟਾ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਡੇ CIA ਸਟਾਫ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਮਰਦਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ CIA ਸਟਾਫ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਗਲਰ ਗਗਨਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀਂਦਰਾਜ ਸ਼ਰਮਾ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 4 ਕਿਲੋ ਅਫੀਮ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਥਾਣਾ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਵਿਖੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 160 ਮਿਤੀ 26/8/2020 ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ CIA ਸਟਾਫ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ DSP ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਨਾਕੇ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ I-20 ਕਾਰ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਰੋਕ ਕੇ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਾਰ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਜਿਸ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ 4 ਕਿਲੋ ਫੀਮ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੋਸ਼ੀ ਗਗਨਦੀਪ ਦੀ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਤੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪਿੰਡ ਛੰਨਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਦਵਾਈ ਪੀ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਵੱਲੋਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ 4 ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ 6 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਲੜਕੇ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ 2 ਔਰਤਾਂ ਤੇ 1 ਵਿਅਕਤੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਹੈ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਛੰਨਾ ਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਮਤਲਬ 2013 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2019 ਤੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੈ, ਪਤਨੀ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਸੰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮਤਲਬ ਆਪਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਅਤੇ ਪਤਨਾ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਰਾਣੀ ਕੌਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਗੁਰਪਿਆਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਦਫ਼ਤਰੀ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਸੰਬੰਧ ਇਹਦੇ ਬਣ ਗਏ, ਆਉਣ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਡਿਸਪਿਊਟ ਸੀ, ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਵਿੱਚ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਪਿੰਡ ਵੀ ਆਪਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਛੰਨਾ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਔਲਾਦ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਆਪਦੀ ਸਾਲੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਕਸਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਹਰਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰਹਿ ਕੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜੌਨਪੁਰੇ ਵਾਲਾ ਚੂਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਦਵਾਈ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਖਤਮ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 306/34 IPC ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਕਸਤੂਰਬਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਾਲੇ ਤੋੜ ਕੇ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਤੇ 15,000 ਦੀ ਨਕਦੀ ਲੈ ਕੇ ਚੋਰ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿੱਚ 2 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਚੋਰੀ ਹੈ। ਚੋਰ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸਰਗਰਮ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਚੌਕਸੀ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਨੇ। ਘਰ ਦੀ ਮਾਲਕਣ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲੜਕੇ ਕੋਲ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਖਿਲ ਰਿਹਾ ਦੇਖਿਆ। ਅਲਮਾਰੀ ਦੇ ਤਾਲੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਗਾਇਬ ਸੀ। ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ASI ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। ਘਰ ਦੀ ਮਾਲਕਣ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦਾ ਸੈੱਟ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਚੋਰ ਲੈ ਗਏ ਨੇ।
उन्हां कहा कि असी जल्दी ही चोरां दी भाल कर लवांगे। अज सानूं फोन आया सी कि घर दे विच कुलदीप नगर दे विच चोरी होई, असीं अज आ के मौका सारा देखिया वेख्या, इनकुआरी पड़ताल पुलिस कीती, चोरी अलमारी दे विचों समान तोड़ के चोर ने साडी जिहड़ी तफ्तीश है जारी आ, ते जल्दी तो जल्दी जो है ये चोर मारे। की कुछ लिखाया ने मकान मालक ने सर? इन्होंने लिखाया कि मतलब 15,000 रुपया तो सोने का सैट ये सर। जी लॉकडाउन भी लग्या पाया, भी चोरिया हो रही थे, की कारण? इस बारे तो हम जो लॉकडाउन है चोर मतलब पुलिस की तो मतलब जी गश्त ड्यूटी है बहुत तेज है, पर फिर भी अज बठिंडा के डबवाली रोड से एक तेल के टैंकर से मोटरसाइकिल की टक्कर में एक महिला की मौत हो गई, जबकि एक नौजवान जख्मी हो गया, जिसनों सहारा क्लब की टीम ने बठिंडा के हस्पताल पहुंचाया। जख्मी की पछाण प्रीति चंद हैड कॉन्सटेबल वासी सुनाम, मृतक की पछाण निर्मला देवी वजो हुई है। एक्सीडेंट मोटरसाइकिल एक लेडीज जेंट जा रहे थे इधर अपने डबवाली साइड में, पिछले एक अगों आया अपना ट्रक वाला टैंकी थी तेल की, इन्हें लिया के उत्तर इन्हें चढ़ा दिया, लेडीज की मौके से डेथ हो चुकी है, तो जेंट साइड हस्पताल दाखिल करवाता। पता लगे भी कितने नहीं दस रहे कि सुनाम साइड से है, संगरूर डिस्ट्रिक्ट के, अजे पूरा क्लीयर नहीं वेरीफाई कर रहे हैं, तो उस जो अगली कार्रवाई हम लियावे मुकदमा दर्ज करके। भारतीय किसान यूनियन उगराहां वल्लों सरकारां दे विरोध कीते जा रहे हैं, पिंडां विच किसी भी पार्टी के लीडर नूं बनन तों रोकण लई बैनर लगा के नाके लगाए हुए ने, ते उन्होंने कहा कि जे कोई भी लीडर आएगा तो उस तों सवाल भी पुछे जाणगे। इसे कड़ी तहत किसान यूनियन वल्लों मौड़ विखे धरना प्रदर्शन किया जा रहा सी, तां आम आदमी पार्टी के विधायक जगदेव सिंह कमालू इस विरोध प्रदर्शन विच पहुंच गए। किसान यूनियन वल्लों उन्हां दा जम के विरोध किया गया, ते उन्हां नाल सवाल जवाब भी किए गए। इस तत्कारबाजी विच किसानां वल्लों विधायक तों अस्तीफे की मांग की गई। उन्होंने कहा कि तुहानू तां चढ़े महीने तनखाह मिल जाती है, पर गरीब किसान भुखे मार रहे हैं। किसानां दीआं खरियां खरियां सुणदिआं विधायक उत्थों चुप करके खिसकदे दिखाई दिते। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राही 41वीं GST कौंसल की बैठक में संबोधन किया। इस बैठक में सूबियां नूं GST के मुआवजे ते मंथन होया। वित्त मंत्री ने दस्या कि 5 घंटिया तक चली बैठक में सूबियां नूं 2 बदल दिते गए ने, केंद्र खुद उधार लैके सूबियां नूं मुआवजा देवे जां फिर RBI तो उधार लैके दिता जावे। सूबे 7 दिनों के अंदर अपनी राय देंगे, भाव के 7 दिनों बाद एक बार फिर संखेप बैठक होगी। ये बदल इस साल लई ही है। कौंसल अप्रैल 2021 विच फिर बैठक करके हालात की समीक्षा करेगी। वित्त सकत्तर अजय भूषण पांडे ने बैठक तो बाद मीडिया नूं संबोधन करदिआं दस्या कि कोरोना की वजह कारण चालू वित्तीय साल विच GST कलैक्शन 2.35 लाख करोड़ रुपए की कमी का खदशा है। उन्होंने दस्या कि केंद्र सरकार ने वित्तीय साल 2019-20 लई GST मुआवजे के रूप में 1.65 लाख करोड़ रुपए तो वधेरे जारी किए ने, जिन्हां विच मार्च लई 13,806 करोड़ शामिल ने। पिछले 3 सालों तो मनीला विच रह रहे पंजाब दे जिला फरीदकोट दे पिंड टुड्डी दे नौजवान लवप्रीत सिंह दी अज सवेर समय कुछ अणपछाते व्यक्तियों ने गोलियां मार के हत्या कर दी। एक घटना उस समय वापरी जदों नकदी समेत अपने दफ्तर नूं जा रहा सी। इस दौरान उसनूं बचाउण दी कोशिश करन वाले पुलिस अधिकारी मेजर जॉन रिजरेसियन वी अणपछाते व्यक्तियों दीआं गोलियां नाल हलाक हो गए। इस अणव्याहता नौजवान की मौत कारण पिंड विच सोग की लहर दौड़ गई। इस नाल ही अजीत खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुंदा है। कुछ होर नवीं खबरों नाल फिर तो हाजिर होवांगे, तद तक लई आग्या दिओ, सत श्री अकाल।